जेई मेन 2019 में एरोमेटिसिटी पर एक बेस्ड एक क्वेश्चन आया, विच कंपाउंड और कंपाउंड्स आउट ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट एरोमेटिक, साइक्लोप्रोपीनाइल कैटायन, साइक्लोपेंटाडाइनाइल कैटायन, साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल एनायन या साइक्लोहेप्टीन सिंपली, ठीक है ना? ये चार हैं, इनमें से कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, कोई एक आंसर भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, कौन एरोमेटिक नहीं है, ठीक है ना? जरा पहले एरोमेटिसिटी की कंडीशंस देख लो, एरोमेटिसिटी कंडीशंस, कंडीशंस क्या है भाई? देयर आर थ्री कंडीशंस. पहली कंडीशन क्या है? कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक एंड प्लेनर, ठीक है ना? द वेरी फर्स्ट कंडीशन ऑफ एरोमेटिसिटी इज द कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक एंड प्लेनर, दैट मीन्स एनी ओपन चेन कंपाउंड कैन नेवर बी एरोमेटिक, दैट इज श्योर. दूसरी कंडीशन है कि ईच मेंबर ऑफ द रिंग must be sp2. कोई sp हो तो वो चल जाएगा, लेकिन sp3 ना हो, ठीक है ना? और तीसरी और आखिरी कंडीशन है कि total number of pi electrons must be equal to 4n+2, where n is 0, 1, 2, 3 और एनी अदर पॉजिटिव इंटीजर. ये थर्ड कंडीशन अलग से हकल्स रूल कहलाता है, हकल्स रूल, ठीक है ना? ये तीनों कंडीशन अगर एक साथ फुलफिल हो जाए तो कंपाउंड एरोमेटिक होता है. कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक तब होता है जब वो इन तीनों कंडीशंस को एक साथ फुलफिल करता है. एंटी एरोमेटिक में ये आखिरी कंडीशन केवल अलग होती है, उसमें 4n pi इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दोस व्हिच आर नॉट फॉर्म्ड बिकॉज दे आर वेरी हाईली अनस्टेबल, ठीक है ना? एरोमेटिक कंपाउंड्स आर वेरी स्टेबल. अच्छा, एरोमेटिक कंपाउंड्स का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल तो है बेंजीन. आप देखें, बेंजीन साइक्लिक है, देखने की जरूरत नहीं है. प्लेनरिटी हमें टेंशन लेना नहीं है क्योंकि सभी कंपाउंड्स प्लेनर होते हैं, एक ही एक्सेप्शन है केवल एनुलिन 10 का, उसके अलावा सभी जो है वो प्लेनर होते ही हैं. तो साइक्लिक है, सभी मेंबर्स sp2 हैं, आप देख लें रिंग के सभी कार्बन से sp2 हैं. पाई इलेक्ट्रॉन कितने? एक पाई बॉन्ड में 2 pi इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 pi इलेक्ट्रॉन्स हैं. 6 को 4n+2 से इक्वेट करके देखो, n की वैल्यू कितनी आती है? 1 हमारी लिस्ट में है, इसका मतलब ये हकल्स रूल को भी फुलफिल करता है. तो हम कहेंगे कि ये जो बेंजीन है ये एरोमेटिक है और इसमें 6 pi इलेक्ट्रॉन्स हैं. जनरली हम ये लिख देते हैं ट्रेडिशनली कि कितने pi इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट है. चलो अब हमारे ऑप्शन में जो दिए गए आयंस हैं उनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना? जैसे ये पहला है साइक्लो प्रोपीनाइल कैटायन, साइक्लिक, सारे मेंबर्स sp2 हैं, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई? 2. तो 4n+2 को 2 से इक्वेट करके देखो, n की वैल्यू 0 आती है, यानी ये हकल्स रूल को फुलफिल करता है. तो ये हो जाएगा एरोमेटिक, एरोमेटिक विद 2 pi इलेक्ट्रॉन्स. ये ध्यान रखें, 2 pi इलेक्ट्रॉन्स, 6 pi इलेक्ट्रॉन्स, 10 pi इलेक्ट्रॉन्स, 14 pi इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे ऐसे करके इसको हम हकल नंबर बोलते हैं, ठीक है ना? हकल नंबर्स. अगर इतने नंबर हैं किसी सिस्टम में तो वो हकल रूल को फुलफिल करेगा. हालांकि केवल अकेले हकल रूल को फुलफिल करने वाला कंपाउंड एरोमेटिक भी हो ये जरूरी नहीं है. फॉर ए कंपाउंड टू बी एरोमेटिक इट शुड फुलफिल ऑल द 3 कंडीशंस टुगेदर. लेकिन अगर इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरह से 4n+2 के हिसाब से तो वो हकल रूल को जरूर फुलफिल कर रहा होगा, ठीक है ना? अच्छा भाई, तो ये हो गया ए. ये ए एरोमेटिक है, हमें ढूंढना है कि कौन एरोमेटिक नहीं है, तो ए हमारा आंसर नहीं होगा. जरा बी को देख लो, बी है साइक्लोपेंटाडाइनाइल कैटायन, देख ले. सारे मेंबर्स sp2 हैं और ये साइक्लिक है, यहां तक तो ठीक है. पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4. 4n+2 को 4 से इक्वेट करके देखो, इंटीजर नहीं आएगा, पॉजिटिव इंटीजर नहीं आएगा, तो ये एरोमेटिक नहीं है. लेकिन 4n pi इलेक्ट्रॉन, 4n pi इलेक्ट्रॉन वाला एंटी एरोमेटिक होता है, यानी जिसमें पाई इलेक्ट्रॉनों का नंबर n के मल्टीपल में हो, n की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए वहां पर, तो ये एंटी एरोमेटिक है. एक्चुअली एंटी एरोमेटिक है और इसमें 4 pi इलेक्ट्रॉन्स है और ये हाईली अनस्टेबल है, और हाईली अनस्टेबल जो होते हैं वो जनरली एग्जिस्ट नहीं करते, या फिर अपनी एग्जिस्टेंस के लिए कुछ ना कुछ उपाय करते हैं. सी में देख लो, सी है साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल एनायन,
ये देखो साइक्लिक है, प्लेनर होगा ही। अगर मान लो प्लेनरिटी की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो प्लेनर हो जाएगा। स्टेबिलिटी के लिए केमिस्ट्री में बड़े बड़े कांड होते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तीन तो इसमें है पाई बॉन्ड्स, तो सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन ये हो गए। और ये जो नेगेटिव चार्ज है अगर वो रेजोनेंस में है तो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह गिना जाता है। एनी इलेक्ट्रॉन टेकिंग पार्ट इन रेजोनेंस विल बी पाई इलेक्ट्रॉन। एनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पी ऑर्बिटल इज पाई इलेक्ट्रॉन, और पी ऑर्बिटल पैरेलल हो तो रेजोनेंस करता है। तो कुल एट पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एट पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम भी एरोमेटिक हो जाएगा। फोर के मल्टीपल में जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन रखने वाले सिस्टम्स होंगे वो सब एरोमेटिक हो जाएंगे, सॉरी एंटी एरोमेटिक हो जाएंगे, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। और ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल, ये भी एरोमेटिक नहीं है, ठीक है ना। डी देख लो, डी डी है साइक्लोहेप्टा ट्राइईन। आप देखें हालांकि ये साइक्लिक है, हालांकि इसके मेंबर्स sp2 है, लेकिन एक मेंबर इसका जो है वो sp3 हो गया, जो अलाउड नहीं है। तो ऐसा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो जाता है, ठीक है ना। तो कौन कौन से एरोमेटिक नहीं है, आंसर क्या होगा? बी सी एंड डी, ऑल दीज थ्री कंपाउंड्स आर नॉट एरोमेटिक। सो आवर आंसर इज ऑप्शन बी, स्मॉल बी, ठीक है, नोट करो।